भोपाल जिला अध्यक्ष कुशवाहा समाज के चुनाव भोपाल में संपन्न हो रहे हैं। युवाओं में एवं मतदाताओं में चुनाव को लेकर काफी उत्साह देखा गया है। आइए हेडलाइंस 24 ने सभी जनप्रतिनिधि एवं प्रत्याशियों से बात की। कुशवाहा जी वर्तमान कुशवाहा समाज के प्रदेश अध्यक्ष है। कई जिलों में दौरा करके युवाओं को उन्होंने जिस प्रकार जोश और जुनून भरा है, वास्तव में वो आज भोपाल के चुनाव में हमें देखने को मिल रहा है। भोपाल का चुनाव ही 2023 की राजनीति कुशवाहा समाज के निर्धारित करने जाएगा। इसी मुद्दे पर आज हम कुशवाहा जी से बात करेंगे। क्या मुद्दा रहा योगेश जी, आज आप भोपाल के चुनाव करवा रहे हैं, क्या सभी जिलों में इसी प्रकार चुनाव होगा? जी बिल्कुल, तरीके से जिस गोलोक के अनुसार भोपाल जिले में चुनाव हो रहे हैं, उसी अनुसार प्रत्येक जिले में शांति बतौर समाज का अध्यक्ष मोहम्मद सिंह का निर्वाचन सम्पन्न हुआ। देखिए, लगभग 40 जिलों में कुशवाहा समाज का मोहम्मद सिंह का निर्वाचन देखिए, समाज की जो एकता ना होने के कारण, नए नए संगठन ना मिलना उसके कारण से समाज में बिखराव होने के कारण समाज राजनीतिक दलों द्वारा समाज को एकता के सूत्र में बांधने का काम कर रहे हैं और आने वाले समय में प्रयास रहेगा कि 2023 में राजनीतिक दल ज़्यादा से ज़्यादा समाज के लोगों को टिकट दें और विधानसभा चुनाव लड़कर रहेंगे। देखिए, मेरा तो अभी शांति कुशवाहा समाज और जो छोटे छोटे दल बनाकर काम कर रहे हैं, संगठन जाकर सबसे अपील रहेगी कि एक संगठन के नीचे, एक खंड के नीचे जाकर काम करना चाहिए, उससे अपना खुद का। प्रदेश अध्यक्ष योगेश कुशवाहा जी ने साफ शब्दों में कहा है, अनगिनत संगठन बनाने से समाज का विकास असंभव है। एक छत पर आकर एक संगठन से कार्य करें, अपना वर्चस्व न बढ़ाए, समाज का वर्चस्व बनाने का प्रयास करें। जब समाज का वर्चस्व बढ़ेगा तो हमारा वर्चस्व स्वयं ही बढ़ जाएगा। इसी उद्देश्य को लेकर मध्य प्रदेश के 52 जिलों में चुनाव करवा के नई टीम गठित करके राजनीति में कुशवाहा समाज का अपना एक अलग ही झंडा फहराएंगे। प्रांतीय कुशवाहा समाज जिला भोपाल के चुनाव आज भोपाल में संपन्न हो रहा। समाज के युवाओं में इस चुनाव के लिए काफ़ी उत्साह और रोष देखा गया। हमारे साथ में समाज के पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ समाज सेवी एवं भारतीय जनता पार्टी में अपना जनक स्थान रखने वाले, हम हिंदू छवि बात करें तो हिंदू संगठन में सबसे महत्वपूर्ण पद में अपने काम करने वाले श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, आइए हम उनसे बात करते हैं कि समाज में क्या रणनीति को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा और आगे समाज की क्या रणनीति होगी। कुशवाहा जी, पहले तो आपका स्वागत है। आपने समाज के लिए अनगिनत कार्य किए हैं और आज भोपाल समाज आपका ऋणी है, आगे क्या रणनीति होगी चुनाव के लिए? अध्यक्ष भोपाल समाज में ये चुनाव क्रांति समाज के जिला अध्यक्ष भोपाल का चुनाव कराने का मकसद समाज में संगठित, समाज में एकता, समाज में विचार, ताकि सामाजिक भी एक जागरूकता हो जाए और महिलाओं में जागरूकता आए। चुनाव के माध्यम से अध्यक्ष संगठन खड़ा है, समाज की एक सेवा का कार्य कर संचलित भारतीय जनता पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, कुशवाहा समाज राजनीति से लुप्त होता जा रहा है, क्या वजह? जिनमें राजनीति में लुप्त इसलिए हो रहा है कि उसका कारण समाज में हमारी एकता की किसी कमी आने के कारण है। बेरोजगार को जगाने में इसीलिए लगे कि अगर समाज में एकता होगी तो राजनीति में भी एकता होगी, और राजनीति में जब तक हमारी समाज एकता नहीं होगी, जब तक राजनीति में राजनीतिक दल हमको वो सम्मान नहीं दे रहा है। कुशवाहा समाज का काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर योगदान रहा है, काफ़ी मतदाता है, मतलब चौथी चुनाव जी धार में काफ़ी भूमिका निभाता, ये भी पिछड़ता क्यों जा रहा है? कुशवाहा समाज पूरे मध्य प्रदेश में पार्टी और चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है सरकार बनाने में। अगर समाज में एकता और वो जिसे तो हम सरकार को इधर से उधर कर सकते हैं। क्या इस चुनाव के माध्यम से 2023 की रणनीति क्या अभी 2023 के लिए भोपाल जिले का चुनाव यही एक शुरुआत है, इसको हम पूरे मध्य प्रदेश में 2023 को चुनाव में, विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक हम लोग इसकी जागृत करेंगे, भाग लेंगे। हमारे साथ के थे बड़े समाज सेवी नारायण सिंह कुशवाहा, उन्होंने साफ शब्दों में कहा
कुशवाहा समाज राजनीति में अच्छा दखलंदाजी रखता है, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों से हम पिछड़ते नजर आ रहे हैं। इस चुनाव के माध्यम से युवाओं में जागृति आएगी और 2023 में कुशवाहा समाज दमदारी से उभर के सामने आएगा। हेडलाइन 24 संतोष भोपाल। क्रांति दुर्गा समाज मध्य प्रदेश के जिला अध्यक्ष तथा महामंत्री पद का निर्वाचन संपन्न कराए जा रहे हैं, जिसमें दो प्रत्याशी जिला अध्यक्ष के लिए कैंडिडेट हैं एवं दो प्रत्याशी महामंत्री के लिए कैंडिडेट हैं। मेरा सभी दुर्गा समाज के मतदाताओं से अपील है कि उनसे जल्द आकर मतदान करें एवं सही प्रत्याशी का चयन करें। मैं एडवोकेट कैलाश कुशवाहा अशोक गार्डन भोपाल का निवासी हूँ और क्रांति कुशवाहा समाज के चुनाव चल रहे हैं। पहली बार जिला पदाधिकारियों का चयन समाज के सम्मानित मतदाताओं द्वारा हो रहा है। सर, इस चुनाव में क्या प्रमुख मुद्दों के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है? चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा समाज की जो समाज में विसंगतियाँ हैं उनको हम दूर करेंगे। दूसरा, समाज को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करना। तीसरा, समाज के कई लोग जो छूटे हुए हैं, जो मूल धारा से नहीं जुड़ पाए, हम उनको मूल धारा से जोड़ेंगे और हम हर संभव प्रयास करेंगे कि हम समाज का कर सके। हमसे जो होगा कन्वेंशन जिसके लिए लगभग 3 महीने से सदस्यता ग्रहण चल रहा था, जिसमें 747 आजीवन सदस्य साधारण मिलाकर है, जिसमें आपका बहस किया होगा पूरा भोपाल के जो शहरी और सभी में बड़ा उल्लास का विषय पहली बार होता है कि राजनीतिक जागरूकता भी जनता उसको अपने परिवार का भी पता रहता है, उस सदस्य को भी बंट बन जब मिल जाता है तब कुछ हमेशा याद रखते हैं। समाज में नवाचार है, नई कैद है और आगे भी हम चुनाव से करा।